नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 108 का आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो कि क्लास 9th के लिए हैं। विषय रहेगा बच्चों आपका विज्ञान और कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट जो है आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई है और ये जो वर्कशीट है बच्चों 31 मार्च 2022 के लिए है। और आपका जो विषय है यानी जिस अध्याय से लिया गया है इस वर्कशीट को, हम बीमार क्यों होते हैं, तो वहाँ से लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम क्या दिया गया है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम। रोगों का इलाज करने के दो तरीके को स्पष्ट कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, रोगों का इलाज करने के दो तरीके को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका हमें क्या उत्तर लिखना है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें बच्चों आपको लिखना है, रोगों के उपचार के लिए उपाय दो प्रकार के हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, रोगों के लक्षण को कम करने के लिए उपचार करना है। यानी आपको कोई रोग लग चुका है तो सबसे पहले हमें उसके लक्षण को कम करना है। उसके बाद में हमें जो रोग हुआ है, किस प्रकार के रोगाणु से हुआ है, उसके मारने के लिए हमें उपचार करना होता है। तो रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार पहले दवाई रोग के लक्षण दूर कम करने के लिए दी जाती है। तो सबसे पहले दवाई दी जाती है, जैसे बुखार है तो बुखार पैरास्टामोल टेबलेट्स आपको दी जाती है, दर्द या दस्त जो भी है उससे संबंधित आपको दवाई दी जाती है। और क्या किया जाता है, हम आराम कर ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं और हमें रेस्ट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रेस्ट करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है, यानी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है जो हमें स्वस्थ होने में सहायक करती है। उसके बाद में रोगों को मारने के लिए उपचार, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, रोगों को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक और मलेरिया जो बीमारी होती है उसको मारने के लिए सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन दवाई का प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ये लिखना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है उसमें, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंटीबायोटिक्स किने कहते हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो इसका आंसर देखिए, इसका राइट आंसर आपको लिखना है बच्चों, ये एंटीबायोटिक्स वे रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव में क्या होते हैं, जीवाणु कवक मोल्ड वायरस ये सभी सूक्ष्म जीव में आते हैं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें वे मार देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयों के नाम आपको याद होने चाहिए, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स दवाइयों के नाम हैं। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक्स कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु क्या हो जाता है बच्चों, मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है। तो पेनिसिलिन भी क्या होता है, जो जीवाणु जो होता है अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को वो क्या कर देता है, रोक देता है, उनकी कोशिका भित्ति नहीं बनती और इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी है। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, कोशिका भित्ति जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसको वो बनने नहीं देते। कौन नहीं बनने देते, एंटीबायोटिक्स। और इस प्रकार से कोशिका भित्ति के अभाव में जीवाणु मर जाता है और इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स का कार्य करती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है। तो इसके लिए आपको राइट आंसर लिखना है बच्चों, एंटीवायरल औषधि को बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण यह है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इस कारण से एंटीवायरल औषधि एंटीबैक्टीरियल औषधि की अपेक्षा बनानी कठिन है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हम दवाइयाँ बनाती हैं वे कहाँ पे काम करती है, रासायनिक जैव रासायनिक प्रणाली पे कार्य करती है, जबकि वायरस में तो अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती नहीं, बैक्टीरिया में होती है। तो बैक्टीरिया के ऊपर तो दवाइयाँ काम करेंगी लेकिन वायरस की अपनी जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रणाली नहीं होती या बहुत कम होती है, जिस कारण से जो हम दवाई लेते हैं वे उनके ऊपर कार्य नहीं करती और इस प्रकार से जो वायरस होते हैं वे
उनके लिए दवाइयाँ बनाना कठिन है, एंटीवायरल दवाइयाँ ज़्यादातर नहीं बन पाती। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संचारी और असंचारी रोग क्या होते हैं, किन्हीं तीन रोगों के नाम लिखिए। तो इनमें आपको लिखना है बच्चों, संक्रामक रोग या संचारी रोग वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये जीवाणुओं नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते तथा हवा, पानी, भोजन तथा आपसी संपर्क से फैलते हैं, जैसे छोटी माता, चेचक, टीबी, हैजा टीबी, आपको बता देने हैं। और असंक्रामक यानी असंचारी रोग वे रोग होते हैं जो शरीर के अंदर विकार या असंतुलन के कारण पैदा होते हैं। यह बाहरी संक्रमण से नहीं होते, इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लग सकते। उदाहरण के लिए जैसे आपको बताना है मधुमेह, उच्च ब्लड प्रेशर, गठिया, कैंसर, ये सभी किसके हैं? असंक्रामक रोग यानी असंचारी रोग के उदाहरण है। बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।